पक्षकारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य भी संपन्न कराए जा रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक के मार्गदर्शन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यचालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया। शासकीय माध्यमिक शाला कचपुरा में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब सेंटर में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को बताया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि स्लॉट बुक होने के बाद भी उन्हें वापस लौटा दिया गया। उपनगरीय क्षेत्र रांची के लाला लाजपत राय वार्ड के विश्वकर्मा मोहल्ले में बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रीय जनों ने समस्याओं का निराकरण न होने पर नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। 26 जून 1975 को लागू आपातकाल की याद में लोकतंत्र सेनानी संघ ने सिविक सेंटर में काला दिवस मनाया और जननेता जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण किया। आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के पार्टनरों के बीच पार्टनरशिप को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला थाने तक जा पहुंचा और अस्पताल के पार्टनर नरेंद्र अग्रवाल एवं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। एक छात्र की उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किए जाने से नाराज छात्र संगठन ने पेंटिनागा स्थित सेंट लोइशियस कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्र ने कॉलेज में री एडमिशन नहीं लिया था। पुलिस विभाग द्वारा साइबर सेल की मदद से लोगों के गुमे हुए मोबाइल ट्रेस कर उन्हें लौटाने की मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में 105 मोबाइलों को ढूंढकर पुलिस ने उनके धारकों के सुपुर्द किया है। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहा है। इसी श्रृंखला में कार्यकर्ताओं ने व्यवहार बाग स्थित पेट्रोल पंप पर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। जिले में शराब की तस्करी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी अवैध शराब लाकर जबलपुर में सप्लाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने एक I-20 कार से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। अवैध शराब सिवनी से जबलपुर लाई जा रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित हुआ प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर, रक्तदान कर लोगों को किया जागरूक। कचपुरा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म होने पर बनी हंगामे की स्थिति, वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों में दिखा आक्रोश। और रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन के पहले सिवनी जिले से जबलपुर लाई जा रही अवैध शराब की खेप, आबकारी विभाग ने बरगी टोल नाके पर I-20 कार से जब्त की 7 पेटी अंग्रेजी शराब, कार चालक गिरफ्तार। पक्षकारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य भी संपन्न कराए जा रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक के मार्गदर्शन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस श्री प्रकाश श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रदेश स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। निर्धन पक्षकारों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर त्वरित न्याय दिलाने के साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार सहभागी बन रहा है। रक्तदान शिविर के आयोजन का मकसद ब्लड बैंकों में हुई रक्त की कमी को दूर करना है। यहाँ हमारे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जो हमारी इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हमारा लक्ष्य जो है 100 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का है। आज हमारे साथ में
यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी और विक्टोरिया हॉस्पिटल की टीम भी आई हुई है, वो रक्तदान शिविर में हमारा सहयोग कर रही है। जो हमारे यहाँ थैलेसीमिया सिकल के बच्चे आते हैं और जो सर्जरी फिर से शुरू होना हो गई है स्टार्ट, उनमें जो हम लोग को ब्लड लगता है, तो अभी कोविड के कारण हम लोग के पास ब्लड की बहुत कमी थी। ऐसे हाईकोर्ट के द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाए गए, इससे हर दूर, अभी जैसे सियोरा में भी हमारा चल रहा है तो कोर्ट में, वहाँ पे भी अभी 15 ब्लड हो गए हैं, यहाँ पे भी अभी 30 ब्लड हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है और मैं लोगों को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं एवं न्यायालयीन कर्मचारियों ने रक्तदान किया। शासकीय माध्यमिक शाला कचपुरा में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब सेंटर में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को बताया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई है। इस बात पर लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि स्लॉट बुक होने के बाद भी उन्हें वापस लौटा दिया गया है। शासकीय माध्यमिक शाला कचपुरा में कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब स्लॉट बुक होने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई। लोगों ने बताया कि केंद्र में बैठे कर्मचारियों ने वैक्सीन खत्म होने का हवाला देकर उन्हें वापस लौटा दिया। उनका गुस्सा इस बात पर भी था कि सभी लोग अपना जरूरी काम छोड़कर वैक्सीन लगवाने आए थे और बाकायदा मैसेज भी भेजा गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी बताकर उन्हें वापस कर दिया गया। कुछ लोग तो 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए थे लेकिन वैक्सीन खत्म हो गई है, 3 बजे का टाइम दिया था लगवाने का, तो अभी तो खत्म हो गई, फिर क्या करें, बार बार आने पड़ेगा। यहाँ बोला जा रहा सर कि ये वैक्सीन स्लॉट खत्म हो गया है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज का टाइम मिला था हमको, हमारा स्लॉट बुक था कचपुरा हाई स्कूल। वैक्सीन आप कहाँ से हैं? मैं यादव कॉलोनी संजय नगर विवेकानंद वार्ड। भैया 2 दिन से वैक्सीन नहीं है तो परेशान हो रहे हैं सब, काम धंधा से ही परेशान है, इस कारण दिक्कत जा रही है। और अभी आए वैक्सीन के लिए, तो अभी वैक्सीन खत्म हो गई, गोल भी कट रहा है भैया, परेशान हो रहा है। हाँ वैक्सीन नहीं है, ये डोज की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए जिससे सभी आम पब्लिक जो आती है वो लौटे ना और उनको सभी को सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज लगे। हाँ लगना अनिवार्य है। वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि सेंटर में 15 वायल ही भेजे गए थे जो लगाए जा चुके हैं। ये माध्यमिक शाला कचपुरा स्कूल में टीकाकरण हो रहा है और आज यहाँ 15 वायल आई थी जो कि यहाँ पूर्ण हो चुकी है ना। अब हमारे पास वैक्सीन नहीं बची है इसलिए लोगों को यहाँ मना कर रहे हैं कि आज की जिम्मेदारी है, उन्होंने जितनी भेजी उतना अपन ने पूर्ण कर दिया। और अभी हम प्रशासन से संपर्क में हैं, SDM साहब को संपर्क किया था तो बोल रहे हैं व्यवस्था कर रहे हैं सर, जैसे ही आएगी तो फिर से चालू कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर में आए लोगों ने शासन एवं स्वास्थ्य विभाग पर अपना आक्रोश जताया। उपनगरीय क्षेत्र रांची के लाला लाजपत राय वार्ड के विश्वकर्मा मोहल्ले में बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्षेत्रीय जनों ने समस्याओं का निराकरण न होने पर नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रांची के विश्वकर्मा मोहल्ले में रहने वाले परिवार लंबे से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में बिजली पानी नाली सड़क जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इस समस्या से जनप्रतिनिधियों एवं बिजली विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा मोहल्लेवासियों ने निर्णय लिया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वह नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ना यहाँ रोड है, ना नाली है, ना पानी की व्यवस्थाएं हैं, और ये मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ ना विधायक कभी आते हैं ना पार्षद कभी आते देखा मैंने किसी को। खंभे पे पोल, खंभे तो लग चुके हैं, खंभे में लाइट नहीं है, निकासी नहीं है। अभी बरसात आ गई, बरसात में सारा पानी लोगों के घर में भर रहा है। ना कचड़ा वाली गाड़ी आती, ना झाड़ू वाली आती, आए दिन पानी की बहुत समस्या, और यहाँ पर ना सफाई होती ना कुछ होती, हम लोग बहुत परेशान हैं। और आए दिन जो टंकी बन गई बड़ी, तब भी पानी की लाइन नहीं आई ना, हम लोग पानी से ज़्यादा परेशान, नाली से परेशान, और बिजली नहीं आ रही थी। क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 26 जून 1975 को लागू आपातकाल की याद में लोकतंत्र सेनानी संघ ने सिविक सेंटर में काला दिवस मनाया और जन नेता जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण किया। अमर रहे, अमर रहे।
वर्ष 1975 में 25 और 26 जून के दरमियानी रात में लागू आपातकाल की याद में लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा सिविक सेंटर में काला दिवस मनाया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ ने बताया कि किस तरह से वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी। लोकतंत्र सेनानी संघ काला दिवस के रूप में यहाँ पर जयप्रकाश जी नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते और यहाँ पर जो हमारा लोकतंत्र सेनानी स्तंभ है सिविक सेंटर में वहाँ पर एकत्रित हुए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिन है 26 जून, हम काला दिवस मनाने यहाँ खड़े हैं और सब लोग आए हैं। बाबू जयप्रकाश जी हमारे चूँकि आराध्य थे, हमारे मार्गदर्शक थे, देश में उनका ये था, इसलिए हम उनकी आज उनके अपने उनके उनके चित्र के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस मौके पर उनके द्वारा जन नेता जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के पार्टनरों के बीच पार्टनरशिप को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामला थाने तक जा पहुंचा और अस्पताल के पार्टनर नरेंद्र अग्रवाल एवं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी अस्पताल के पार्टनर नरेंद्र अग्रवाल और डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव के बीच पार्टनरशिप को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों के द्वारा लाडगंज थाने में शिकायत की गई है। थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि नरेंद्र अग्रवाल ने शिकायत कर बताया कि उन्हें पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है, वो भी बिना जानकारी दिए। वहीं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव ने भी बताया कि नरेंद्र अग्रवाल को पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है। इनके दोनों पक्षों का रिपोर्ट आया है पार्टनर्स में, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव और नरेंद्र अग्रवाल का, जिसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। पार्टनरशिप का विवाद इन्होंने बताया है। इनका पार्टनरशिप का है कि एक पार्टनरशिप जो नरेंद्र अग्रवाल को है, इन्होंने तीन पार्टनर ने बताया कि हमने इनको बेदखल कर दिया है और उसी का विवाद है। नरेंद्र अग्रवाल बोलते हैं कि नहीं, अभी भी मैं पार्टनर हूँ, मेरे को बेदखल नहीं किया गया है। पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। एक छात्र की उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किए जाने से नाराज छात्र संगठन ने पेंटिनागा स्थित सेंट लोइशियस कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्र ने कॉलेज में रीएडमिशन नहीं लिया था, इसलिए उसकी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं की गई। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, भारत माता की जय। सेंट लोइशियस कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन के सदस्यों ने बताया कि कॉलेज के एक फाइनल ईयर के छात्र की उत्तर पुस्तिका लेने से प्रबंधन ने इनकार कर दिया, जिससे छात्र का भविष्य खतरे में है। उन्होंने इस मामले में कॉलेज प्राचार्य से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी नियमों का हवाला देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्कूल कॉलेज प्रशासन ने बोला है कि विद्यार्थी की फीस जमा नहीं थी, तो हमारा ये कहना है कि फीस के आधार पर जब ऐसी स्थिति, जब कोरोना जैसी भयंकर आपदा हमारे पूरी देश और दुनिया में चल रही है, तो फीस का बहाना सही नहीं है और किसी भी विद्यार्थी के फ्यूचर के साथ हम खिलवाड़ होते कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार भी एक बार नहीं, 7 बार उन्होंने डेट बढ़ाया है। राज्य सरकार के नियम के हिसाब से मैंने भी राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए रीएडमिशन के डेट बढ़ाए हैं। ये बच्चे जो आ रहे हैं रीएडमिशन कभी लिया ही नहीं है, ठीक है। और कल जो है जो पेपर जमा करने के आके खड़े हो गया, मुझे पेपर लिया जाए, जबकि उनका एडमिशन ही नहीं, रीएडमिशन हुई नहीं, मैं कहाँ से पेपर लूँगा। प्राचार्य के अनुसार रीएडमिशन की डेट मार्च में निकल गई थी, लेकिन उसके बाद भी संबंधित छात्र ने एडमिशन नहीं लिया था। पुलिस विभाग द्वारा साइबर सेल की मदद से लोगों के गुमे हुए मोबाइल ट्रेस कर उन्हें लौटाने की मुहिम शुरू की गई है। इसी कड़ी में 105 मोबाइलों को ढूंढकर पुलिस ने उनके धारकों के सुपुर्द किया। लोगों के गुमे हुए मोबाइल लौटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस विभाग के द्वारा शनिवार को 13 लाख रुपए कीमत के 105 मोबाइल उनके धारकों को लौटाए गए। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा ये मोबाइल वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 के पहले चरण में 109 मोबाइल लौटाए जा चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि कुल 109 मोबाइल जो है हमने वर्ष 2021 में ट्रेस करके आवेदकों तक पहुँचाए हैं, जिनकी कीमत 13.5 से 14 लाख के करीब है। साथ ही साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में जौलपुर पुलिस ने ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है, जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से आवेदकों से के अकाउंट से कुछ पैसे जो कट जाते हैं, उसमें भी हमने करीबन 8.5 लाख जो है हमने जो राशि है संबंधित आवेदकों को उनको वापस दिलाई है। हमारा ये अभियान जो है
साइबर क्राइम के विरुद्ध जारी रहेगा। गुम हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की आवाज सुनना होगा। किसानों की आवाज सुनना होगा। बात करो, तुमको करनी होगी। आज 7 महीने के अवसर पर पूरे भारत देश में सभी किसान संगठन अपनी अपनी तहसील, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र लिख करके हम लोग आज पेश कर रहे हैं कलेक्टर महोदय जबलपुर के समक्ष। यहाँ से राज्यपाल के यहाँ जाएगा भोपाल और वहाँ से दिल्ली राष्ट्रपति महोदय जी के लिए हमने ज्ञापन लिखा है और हम पूरे राष्ट्र के किसानों के साथ हैं। अंतिम सांस तक अपने हक अधिकार के लिए किसानों का आंदोलन चलेगा और जब तक ये सरकार कानून को वापस नहीं लेगी तब तक चलेगा। किसान यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर युवा कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी श्रृंखला में कार्यकर्ताओं ने व्यवहार बाग स्थित पेट्रोल पंप पर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। पेट्रोल के दाम कम करने होंगे। नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहे युवा कांग्रेसियों ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं के अनुसार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट की जा रही है जिसके कारण आम जनता परेशान है। बढ़ती महंगाई के लिए भी युवा कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। पेट्रोल मूल्य वृद्धि के बढ़ते हुए दामों को लेकर पवारबाग पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं उसे महंगाई अपने चरम पर है जिसके कारण रोजमर्रा की चीज़ों पर असर पड़ रहा है। इसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और मूल वृद्धि को वापस लेने की मांग की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की दरें कम ना होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जिले में शराब की तस्करी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आसपास के जिलों से भी अवैध शराब लाकर जबलपुर में सप्लाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने बरगी टोल नाके के पास I-20 कार से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। अवैध शराब सिवनी जिले से जबलपुर लाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने इस मामले में कार चालक को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक अवैध शराब की कीमत करीब 80,000 रुपए है। रविवार को लगने वाले साप्ताहिक लॉकडाउन के पहले जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। आबकारी विभाग ने सिवनी टोल नाके पर एक I-20 कार से 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग के मुताबिक अलग अलग ब्रांड की शराब की कीमत लगभग 80,000 रुपए है। आबकारी विभाग ने इस मामले में कार चला रहे सिवनी निवासी प्रतीक ठाकुर को गिरफ्तार किया है। प्रतीक वर्तमान में मदन महल इलाके में रह रहा है। पूछताछ पर उसने सिवनी जिले से शराब जबलपुर लाने की बात बताई है जिसकी तस्दीक की जा रही है। इधर जिस कार से शराब का परिवहन किया जा रहा था वह भी किसी नीरज दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है जिसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। बरगी टोल नाके पे एक I-20 कार को रोक कर चेकिंग के दौरान जो है तो उसे 7 पेटी के आसपास विदेशी शराब पकड़ा गया है। जब भी ये देखा गया है कि शहर में जब भी वीकली लॉकडाउन होता है, अभी फुल लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, परंतु संडे को जो है तो लॉकडाउन अभी भी जारी है और जब भी संडे को लॉकडाउन जारी है तो शराब की दुकानें बंद रहती हैं और इस दौरान जो है तो संडे के लिए स्मगलिंग बढ़ जाता है। लोग शुक्रवार और शनिवार के आसपास काफ़ी माल शहर में लेके आते हैं। इसी प्रक्रिया में जो है तो हमने सुबह वाहन चेकिंग लगाई थी और 7 पेटी माल पकड़ा गया है। गाड़ी में वाहन चालक था, अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग का कहना है कि इस मामले में आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक अवैध शराब किसके द्वारा मंगवाई गई थी इसे लेकर भी कुछ नाम सामने आए हैं। इसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।